हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी कमाल की होने वाली है। लाइटरूम के अंदर हम ऑरेंज एंड ब्लैक मूडी किस तरह एडिट कर सकते हैं अपने पिक्चर पर, इस तरह इफेक्ट कैसे ला सकते हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये पिक्चर कुछ जो है पहले इस तरह था, बाद में जो है मैंने एडिट करने के बाद कुछ इस तरह जो है नज़र आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो है घंटी के निशान को ज़रूर दबाए इस तरह और भी कूल वीडियोज़ देखने के लिए, और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें। तो बस आप लोगों ने अपने तस्वीर को जो है लाइट रूम के साथ शेयर कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले काम जो है कर लेना है एक्सपोज़र को थोड़ा मतलब लो कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है कर लेना है कंट्रेस्ट को भी थोड़ा लो, और उसके बाद आप लोगों ने जो है कर लेना है हाईलाइट को थोड़ा लो, और उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है शेडो को भी थोड़ा कम। तो उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है ओके, और उसके बाद टेम्परेचर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले मिक्स पर, तो मिक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने जो है रेड का जो है रेड को थोड़ा मतलब बिल्कुल ऑफ कर लेना है, सेचुरेशन को भी कर लेना है ऑफ। उसके बाद ऑरेंज को जो है थोड़ा आप लोगों ने कर लेना है कम, उसके बाद सेचुरेशन को थोड़ा आप लोगों ने बढ़ा देना है। तो उसके बाद आप लोगों ने जो है यहाँ पर येलो जो है, तो उसके बाद आप लोगों ने येलो को भी कम कर लेना है बिल्कुल ऑफ, और यहाँ से आप लोगों ने सेचुरेशन को भी कर लेना है ऑफ। उसके बाद आप लोगों ने बैकग्राउंड का जो कलर है ग्रीन, तो यहाँ से आप लोगों ने इसको कर लेना है ऑफ, और सेचुरेशन को भी कर ले ऑफ, लुमिनेंस को थोड़ा कम कर लें। तो उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो इसके बाद ये जो नीचे पेंट का मतलब थोड़ा रंग है, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं वाइट। तो यहाँ से आप लोगों ने ह्यू को कर लेना है कम और सेचुरेशन को कर ले ऑफ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हो गया है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। तो उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है डन। तो डन करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने आना है प्रोफाइल पर। तो प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले बेसिक पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से जो नीचे है एक आर्टिस्टिक 04, तो आप लोगों ने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने इसका जो ओपेसिटी है थोड़ी जो है आप लोगों ने बढ़ा लेनी है। तो यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा जो है आप लोगों ने बढ़ा लेना है। तो उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है डन। तो डन करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने जो है आना है यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर, इस ऑप्शन पर। तो यहाँ से आप लोगों ने क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेना है। उसके बाद आप लोगों ने विग्नेट को इस पर आप लोगों ने थोड़ा ऐड कर लेना है। तो हो गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विग्नेट हो गया ऐड। तो यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है ओके। तो उसके बाद आप लोगों ने टेम्परेचर पर दोबारा आना है, और इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा आप लोगों ने जो है थोड़ा यहाँ से आप लोगों ने मतलब 1 या 2 पॉइंट आप लोगों ने बढ़ा लेना है, और इसको टेंट का जो है मतलब टेंट को आप लोगों ने कर लेना है थोड़ा कम। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा तस्वीर जो है बहुत ही कूल जो है बन रहा है। तो यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है ओके। तो ओके होने के बाद यहाँ से आप लोग जो है यहाँ से आप लोगों ने इसको जो है सेव कर लेना है अपने डिवाइस में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हाई क्वालिटी में आप लोगों ने सेव कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है इसको दोबारा लेके आना है। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है कर लेना है इसको सेव। तो यहाँ से हम जो है इसको दोबारा लेके आते हैं, यहाँ से आप लोगों ने प्लस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों ने जो है इसको दोबारा ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने जो है इसको यहाँ से एडिटिंग कर पर लेके आए यहाँ से आप लोगों ने, तो इसकी जो यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है टेम्परेचर पर क्लिक। तो यहाँ से आप लोगों ने मिक्स पर, तो मिक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने ऑरेंज, और यहाँ से आप लोगों ने जो है ऑरेंज को यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा जो है कर लेना है कम। तो उसके बाद आप लोग कर ले ओके, और यहाँ से आप लोगों ने जो है कर लेना है डन। और उसके बाद आप लोगों ने टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को थोड़ा आप लोगों ने कर लेना है कम, यहाँ से आप लोग थोड़ा कम कर लें। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कूल बन गया है हमारा तस्वीर। यहाँ से आप लोग कर ले ओके, और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है सेव। तो देखिए हमारा तस्वीर हो गया सेव, कितना कूल नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप लोग जो है ब्लैक एंड ऑरेंज मूडी इफेक्ट ला सकते हैं अपनी तस्वीर पर। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई हो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।